future birds, welcome back to my channel. So this is going to be study vlog 7 school edition. So 12:30 ho chuke hain, main school se aayi thi 12 baje, and half hour maine rest kiya, and ye meri to do list hai, and isme se main aapko batana chahungi MOP of alkenes and NCRT of human health and diseases maine school mein complete kar liya tha, and ye to do list bhi maine school mein hi likhi hai. तो इसमें ना एक मिस्टेक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे चलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे एल्कीन्स की एमओपी मेरी कंप्लीट है और एनसीईआरटी कंप्लीट है, तो इनको तो मैं कट कर दूंगी यहाँ पे. एंड यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का सबसे पहले मैं लेक्चर लगा रही हूँ, लेक्चर 5. एंड यहाँ पर टाइमर जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टॉप वॉच, यानी कि टाइमर नहीं, मैं टाइमर बोल देती हूँ हर बार इसे. ओके, यहाँ पर लेक्चर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, एंड ये गलती से दोबारा स्टार्ट हो गया. हाँ, तो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड 35 मिनट्स हो चुके हैं लेक्चर कंप्लीट करते करते. एंड अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता होगा मैं नोट्स प्रिंट निकलवाती हूँ, साथ साथ नोट नहीं करती हूँ. एंड आज जो सर ने करवाया था वो बस यहीं तक करवाया था. मैं आपको नोट्स एक बार दिखा रही हूँ कहाँ तक करवाया सर ने. सर ने यहाँ तक ही करवाया, इसके आगे हम कल करेंगे. सो नेक्स्ट टास्क है हमारा हेलो अर्केन्स एंड हेलो अरीन्स की लेक्चर करना. एंड मिस्टेक ये थी कि मैंने लेक्चर 3, 4, 5 लिख दिया था स्कूल में, मुझे पता नहीं था लेक्चर 5 अभी लगा नहीं है. सो यहाँ चलो करते हैं हेलो अर्केन्स एंड हेलो अरीन्स. सो यहाँ पे इसके दो लेक्चर मैंने पेंडिंग थे, दोनों को मैं अभी वॉच करूँगी. यहाँ पे एक लेक्चर कम्प्लीट हो चुका है एंड अभी मैं सेकेंड लेक्चर लगा रही हूँ. ये सेकेंड लेक्चर है हेलो अर्केन्स एंड हेलो अरीन्स का. एंड हाँ, यहाँ पे सेकेंड लेक्चर भी कम्प्लीट हो चुका है. एंड सर अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो सर अच्छे लगे, अच्छे से समझ आ जाता है. सो यहाँ पे 2:11 हो चुके हैं एंड अभी चलते हैं फिर नेक्स्ट टास्क पे हम. सो नेक्स्ट टास्क है मेरा DPP करना करंट इलेक्ट्रिसिटी की. अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो मैं रोज़ की एक DPP कर रही हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की. सो आज हम नेक्स्ट DPP करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की. सो ये रही DPPs, मैं करती हूँ और मिलती हूँ आपसे. सो यहाँ पे 2:36 हो चुके हैं DPP करते करते. एंड एक छोटा सा शॉर्ट, मैं देखो सीधी सीधी कैलकुलेशंस नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट रफ कैलकुलेशंस करती हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे है नेक्स्ट सीधी सीधी, यानी कि लाइन वाइज जैसे बच्चे करते हैं ना पूरा पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, मेरे से वैसे कैलकुलेशन होती नहीं है. अभी मैं सेंटर ऑफ मास कंप्लीट करूँगी. अगर आप मेरे पिछले ब्लॉग्स देख रहे हो तो आपको ये भी पता होगा मेरा चैप्टर सेंटर ऑफ मास चल रहा है, एंड थोड़ा सा बचा था पर मैं बोर हो गई थी तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया था, तो इसको कंप्लीट करूँगी मैं. हाँ, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे एक बार मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. अभी यहाँ पे करते करते 2:53 हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी, एंड आई एम वेरी टायर्ड. स्कूल के बाद पढ़ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यार. एनीवेज, अभी मैं कल का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर लगा रही हूँ, मैं कल नहीं लगा पाई थी. सो चलो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करते हैं. 2:28 का लेक्चर है ये सर, बहुत एक्सटेंड करते हैं लेक्चर पर मज़ा भी आता है, बट इसमें ना मुझे थोड़ा कम समझ आया, डोंट नो व्हाई. 4:23 का लेक्चर हो गया है, आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इस लेक्चर में. ओके, चलो चलते हैं आगे. अब मैं बॉटनी की क्लास लगा रही हूँ, ये अभी भी लेक्चर लाइव ख़त्म हुआ है तो मैं इसे 2x की स्पीड पर देखूँगी, मुझे आदत है 2x पर देखने की. सो हाँ, अभी पेडिग्री एनालिसिस करवाया सर ने इसमें, और ये मेरा ख़त्म हो चुका है लेक्चर. एंड यहाँ पे करते करते 5:12 हो चुके हैं मुझे, एंड मैं आपको टू डू लिस्ट दिखा देती हूँ. मेरी टू डू लिस्ट बिल्कुल कंप्लीट है, अब मेरी अपनी मर्ज़ी चलेगी, मुझे जो जो करना है इसमें. वैसे मैं मर्ज़ी कर चुकी हूँ अपनी फिजिक्स का लेक्चर लगा के. सो अभी मैं लेक्चर 6 लगा रही हूँ दोबारा से, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का. पहले 5 लगाया था, अब मैं 6 लगा रही हूँ. मैं दोबारा इस पर इसलिए आगे, मुझे कि चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए एंड मैं आगे स्टार्ट कर सकूँ. सो हाँ, यहाँ पर ये लेक्चर जो भी फिनिश हो चुका है, एंड हम पे टाइम हो चुका है 6:11, एंड मैं करने जाऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स की सेंटर ऑफ मास की. मेरे पास ये वाली बुक है DC पांडे सर की, सो हम इसको सॉल्व करेंगे. सो इसमें सेंटर ऑफ मास के लिए 2 एक्सरसाइज हैं, चेक पॉइंट 1 8.1 चेक 8.2 है. सो इन दोनों को मैं अच्छे से सॉल्व करूँगी. हाँ, काफ़ी क्वेश्चन मुझसे नहीं लगे, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा कि सर ने करवाए नहीं थे. चलो कोई बात नहीं, मैंने पीछे सोल्यूशन से हेल्प ले ली थी. एंड यहाँ पे 7:21 हो चुके हैं, एंड मैंने कहा एक और आपको दिखा दूँ, मैंने प्रैक्टिस की है. उसके बाद अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्कूल का भी काम है. एंड अभी धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई, तो एकदम से इतनी जल्दी हो नहीं सकता, बट 8 आवर स्टडी मेरी कंप्लीट हुई है, क्योंकि 40 मिनट्स के आसपास मैं स्कूल में भी पढ़ी हूँ, क्योंकि मैंने एल्कीन्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहाँ पर की है. सो दिस इज़ द व्लॉग. सो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पढ़ेंगे. लाइक पहले हमने 5 आवर स्टडी की, दिन 6 आवर, दिन 7 आवर, एंड हम फाइनली 8 आवर्स तक तो पहुँचे गए हैं. वो भी कॉन्स्टेंट रहे, गिरे ना इससे. सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय फ्यूचर बर्ड्स.